चूड़ी, बिंदी ले लो बिंदी, लहंगे ले लो लहंगे, अरे झुमके ले लो झुमके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद निरजा। दोस्तों ये सब क्या फैला हुआ है, ये सब बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आई एम श्योर आप लोग भी इस टाइम कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो मेरी स्कूल फ्रेंड है उसकी 25th एनिवर्सरी है, उसकी ये सारी तैयारियां चल रही हैं और मैं जाने वाली हूँ 2 दिन का उसका फंक्शन अटेंड करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन। तो उसके लिए मैंने ये सारी तैयारी की है, निकाल के रखे हैं सारे सामान। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक वीडियो आप सबके साथ शेयर किया जाए कि अगर आप इस तरीके की किसी वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो आप कितना मिनिमम एंड जो है बिल्कुल जरूरी सामान लेकर आप जा सकते हो, जिससे कि आपको वहां पर जाकर बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आपके पास सारा सामान रहे, आपको किसी से भी कुछ भी बोरो करने के लिए जरूरत ना पड़े और किसी भी तरीके की कमी ना हो। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 2 दिन के फंक्शन के लिए जा रही हूँ। तो जैसे ये एनिवर्सरी का फंक्शन है तो भी 25th एनिवर्सरी आप सब जानते हो कि अब बिल्कुल ही शादी ब्याह जैसे जो होता है फंक्शन उसी तरीके से की जाती है। तो मुझे अटेंड करना है एक मेहंदी का फंक्शन एक दिन और सेकंड डे मुझे जयमाल का फंक्शन अटेंड करना है, उसके लिए मैंने ये सारी तैयारियां की है। अगर आप नॉर्मल शादी में भी जा रहे हो तो भी मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन एंड जयमाल वाला यानी मेन वेडिंग दिन तो होता ही है, तो आप इसी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो 2 दिन के लिए ये है, आप जितने दिन का जा रहे हो उस हिसाब से आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हो। तो मेन फंक्शन वाले दिन के लिए मैंने रखा है ये वाला लहंगा जो कि कुछ ऐसा गोल्डन कलर में है। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई भी आउटफिट रख रहे हैं तो ये देख लीजिए कि उसमें कितने जो है सेट आते हैं, मतलब कितनी चीजें आती हैं। जैसे कि लहंगा है, इसके साथ एक ब्लाउज है एंड एक दुपट्टा है। अगर इसके साथ आपका और भी कुछ लगता है, जैसे कई बार होती है इसकी कोटी जैकेट होती है, कुछ भी होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सारी चीजें आपकी एक साथ हो जो भी आप सेट रख रहे हो। तो ये मेरा दुपट्टा हो गया, ये हो गया मेन फंक्शन के लिए लहंगा और आप देख सकते हो इस तरीके का है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इस फंक्शन का ब्लॉग भी बनाऊं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं कोशिश करूंगी इसका एक छोटा सा ब्लॉग भी लेकर आने के लिए। तो ये हो गया मेन फंक्शन के लिए मेरा जो लहंगा है। इसके साथ के लिए ज्वेलरी आपको सेलेक्ट करनी है। ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं करना है कि जो भी जितनी भी ज्वेलरी है आपकी वो सब आप इकट्ठा करके एक साथ भर के रख लो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी ड्रेस से मैचिंग आपको ज्वेलरी रखनी है उसका आप चाहो तो फुल ड्रेस आप पहन लो, या फिर आप चाहो तो ब्लाउज पहन के एक मतलब जो है आइडिया के लिए पहनकर उसके ऊपर आप अपनी ज्वेलरी डालकर देखिए और उसके बाद आप देखिए कि कौन सी ज्वेलरी आपको पहनकर सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वेलरी हमको ऐसे अच्छी लग रही होती है कि ये वाली इसके साथ अच्छी लगेगी, वो पहनने पर उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कोई और शायद लग रही हो पहन कर जो आप चेक करते हो। तो इसलिए ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। इस वाले मेन फंक्शन के लिए लहंगे के साथ पहनने के लिए मैंने ये वाले इयररिंग रखे हैं जो कि लॉन्ग जो है चेन वाले मतलब हैवी इयररिंग्स हैं। तो चूंकि इसका जो नेक है वो जो है जो बोट टाइप होता है उस टाइप का है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इयररिंग्स ही रखे हैं, इसके लिए मैंने कुछ गले का नहीं रखा है। तो इस टाइप के मैंने इयररिंग्स इसके साथ रख लिए हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर आपके आउटफिट के साथ पूरी ज्वेलरी कुछ सेट मैच कर रहा है तो पूरी ज्वेलरी भी रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ इयररिंग्स भी पहन सकते हो। तो इस तरीके के जिप लॉक जो पाउचेस आते हैं उसके अंदर मैंने इसको रख लिया है। पूरा बॉक्स वगैरह रखने से क्या होता है कि सामान ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ऐसे जिप लॉक बैग्स में रखूं। अभी मेहंदी फंक्शन के लिए मैंने ये वाला जो है आउटफिट सेलेक्ट किया है, ये एक लहंगा ही है मेरा। स्कर्ट मतलब डिजाइन है, बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट है, बट ग्रीन कलर का है। चूंकि ग्रीन कलर ही हम सबको पहनना है मेहंदी वाले दिन, इसलिए मैंने ये वाला अपना आउटफिट चूज किया है लहंगा। और इसके साथ ही मैंने इसका पूरा सेट लगा लिया है। ये रहा इसका ब्लाउज, तो ये जो मैंने साथ में सब रख लिया है। एंड इसके साथ का जो ये चुन्नी हो गई इसका दुपट्टा, इस पर भी मैंने पहनकर चेक कर लिया। पहले मेरा मूड था इस पर गोल्डन कलर का सेट पहनने का, बट गोल्डन या किसी और कलर का मजा नहीं आ रहा था पहनकर, तो मैंने जो है मेरे पास एक और सेट रखा हुआ था, ये स्ट्राइप का स्टोन का एकदम पतला सा स्लीक सा है और ये इसके साथ बहुत अच्छा लगा। तो जो है वही इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपने मन से सोचकर आप मत रखो, एक बार ट्राई करके देखो आउटफिट के साथ कौन सा सेट ज्यादा अच्छे से जा रहा है। तो ये वाला सेट मैं रख रही हूँ, पता नहीं साफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ये स्टोन्स है यहाँ पर नॉर्मल जो होते हैं, एंड ये पिंक कलर का स्टोन है इसमें, क्योंकि इसमें पिंक वर्क है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसका नेक भी इस टाइप का है, थोड़ा जो स्वीट नेक शेप होता है, और उसके साथ ये इस तरह से लॉन्ग में चेन है, अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने रख लिया है। अभी ये चूड़ियां इनके साथ की रखी है, तो मेहंदी वाले जो लहंगे के साथ की इस टाइप से चूड़ियां मैंने रख ली है। इन चूड़ियों में क्या है कि इसमें ज्यादातर कड़े हैं, चूड़ियां एक दो पतली पतली से बीच में है, तो इसलिए मैंने ये वाला जो चूड़ी का बॉक्स आता है इसी में इनको रखा हुआ है। बट जो मेरे ये मेन फंक्शन वाले लहंगे के लिए है ये चूड़ियां इस टाइप से हैं, और ये नॉर्मल सा बॉक्स था मेरे पास इसका। तो इस टाइप की जो चूड़ियां होती है ये वेलवेट की चूड़ियां हैं और ये थोड़ा सा काम की चूड़ियां हैं, मतलब काम जैसे कि इसमें कुछ नग का वर्क होता है,
तो इस टाइप से ये चूड़ियां हैं। तो इस टाइप की चूड़ियां रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो आपके पास बैंगल बॉक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास चूंकि बैंगल बॉक्स छोटे साइज में नहीं है जो मैं ट्रेवल में लेके जा सकूं, तो मैंने एक जुगाड़ सोचा है। मैंने अपने ये किचन का इस तरीके का डब्बा ले लिया है ये, और इसमें मैं इसको रखने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी चूड़ियां बची रहेंगी, टूटेंगी नहीं रास्ते में, क्योंकि एक बार मैं ट्रेवल के टाइम इस टाइप के डिब्बे में ले जा चुकी हूँ चूड़ियां, और बहुत सारी आधी से ज्यादा चूड़ियां वो दबकर टूट गई। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं इसमें इस तरीके से इसको रख लूंगी एंड ऐसे करके इसको रखकर, और जब आप इसको इस तरीके से बंद कर लोगे तो ये चूड़ियां बिल्कुल भी दबने वाली नहीं, क्योंकि डब्बा काफी ज्यादा मजबूत है और छोटे से एरिया में आपका सामान भी आ जाएगा। ज्यादा चूड़ियां हैं तो फिर आप थोड़ा बड़ा बॉक्स देख सकते हो, या फिर अगर आप परचेज करना चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो ये हो गई। इसके साथ ही मैंने गोल्डन कलर की कुछ चूड़ियां भी रखी है कि सेट लगाने के लिए, मैच के लिए। तो ये नग वाली चूड़ियां हैं, इसके साथ के लिए ये बॉक्स था, तो मैंने इसको इस तरीके से रख लिया। तो इस तरीके के बॉक्स में कभी भी मत रखिएगा, वरना चूड़ियां जरूर दबकर टूट सकती हैं। अभी इन लहंगों के साथ जो है दुपट्टे को सेट करने के लिए मुझे चाहिए थी बेल्ट, तो ये बेल्ट मैंने ले रखी है, इसको मैंने ले लिया। ये दोनों के साथ आराम से चल जाएगा और ये स्ट्रेचेबल वाली बेल्ट है तो बहुत आसानी से लग जाती है। इस टाइप की बेल्ट आप आसानी से अमेजोन वगैरह पर ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हो। जिन चीजों का लिंक मुझे मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये हो गया। इसके साथ और दिन के पहनने के लिए मैंने कुछ कपड़े यहाँ पर निकाल कर रखे हैं, जैसे कि मुझे वहां पर दो दिन रुकना है, तो एक दिन थोड़ा सा बाहर अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अपनी जीन्स निकाल ली है। ये व्हाइट जीन्स है एंड ये ग्रीन कलर का टॉप है, ये फुल टॉप है, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके के कपड़े मिक्स करके लेकर जा रही हूँ। जैसा सीजन, मतलब जैसा मौसम रहेगा उस दिन, उस हिसाब से आउटफिट पहन लूंगी। तो ये हो गया एक सेट। दूसरा हो गया ये अनारकली जो कुर्ता का पूरा सेट है, पैंट एंड इसमें दुपट्टा भी है, तो इसका मैंने आप सबके साथ जो है हॉल शेयर किया है। तो इस टाइप से ये कुछ सूट है, तो ये मैं रखकर लेकर जा रही हूँ। इसमें भी जो है स्लीव 3/4 हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ठंड का भी मौसम रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से इसको पहना जा सकता है। तो इसका भी पूरा सेट मैंने रख लिया साथ में, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर आप तीनों चीजें या दोनों चीजें जो भी सेट में है वो साथ में नहीं रखते हो तो कुछ चीजें छूट जाने का डर रहता है, फिर आपका जो मतलब सेट है पूरा वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी आगे पहनने में। तो यहाँ पर दुपट्टा, पैंट एंड इसका जो है कुर्ता, मैंने तीनों साथ में रख लिया है। इसी तरीके से मैंने एक साड़ी भी सोचा रख लेती हूँ कि फंक्शन वगैरह में कुछ ट्रेडिशनल चीजें अच्छी लगती हैं, तो ये साड़ी मैंने रखी है। ये क्रश की फैब्रिक में साड़ी है, तो इसका जो है क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इसको कैसे भी रख लो, कैसे भी मोड़ मोड़ कर रख लो अपने सूटकेस में, तो ये कभी भी कहीं से भी क्रश नहीं होती है। क्रश तो इसका नाम है, क्रश का फैब्रिक है, बट ये क्रश कहीं से भी नहीं होती। आप इसको कैसे भी घोंच कर भी रख लोगे ना तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैंने रख ली, पहनकर ये बहुत सुंदर लगती है। इसके साथ मेरे पास है ये स्लीवलेस ब्लाउज, इस तरीके का ये पहनकर मतलब स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये वाली साड़ी। इस तरीके का इसका बैग है, तो ये मैंने रख लिया है साथ में, इसके पेटीकोट भी रख लिया है। तो ये तीन जो है आउटफिट मैंने रखे हैं कि बाई चांस दो दिन में हमें अगर कहीं घूमने जाना है या फिर कुछ भी हो सकता है ना, मान लो कपड़े भीग जाए या कुछ और चक्कर हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा आपको जरूर रखना है। दो दिन के लिए तो तीन कपड़े रख लीजिए, तीन दिन के लिए तो चार कपड़े, एक आध एक्स्ट्रा जरूर रख लीजिए। तो ये हो गया दिन के पहनने के लिए, जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और फिर आपको जो है दिन में नहा धोकर कुछ पहनना है तो कुछ अच्छे ही कपड़े रखिए, कि बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, शादी ब्याह का जो घर होता है या फिर आप होटल वगैरह जा रहे हो तो काफी सारे लोग रहते हैं, तो अच्छे कपड़े लेकर जाइए घर में दिन में पहनने के लिए भी। इसके बाद मैंने दो दिन रुकने के लिए यहाँ पर दो नाइट सूट्स रखे हैं, एक ये साटन में रख लिया है और इस तरीके का पहला एक पजामा इसमें एंड शर्ट है, एंड ये एक रखा है मैंने जो एक टी शर्ट है एंड साथ में इसके लोअर है, तो इस टाइप से कुछ है। ये ऐसा है कि आप चाहो तो इसको रात में भी पहन लो, अगर आप चाहते हो तो इसको आप दिन में भी पहन सकते हो। अगर बहुत ज्यादा हैवी आपका पहनने का मन नहीं है, हल्का फुल्का पहनना चाहते हो तो ये आप दिन में भी पहन सकते हो, बट ये है कि थोड़ा सा नए से रखिए, ज्यादा ओल्ड ना हो कि वो पहनकर जो है पुराने पुराने से दिखे। तो अगर नए कपड़े हैं तो आप इस तरीके के कपड़े भी दिन में पहन सकते हो। तो ये मतलब सारे ये जो है आउटफिट्स हो गए। एंड ये मैंने जो निकाल कर रखा है ये है जो मैं रास्ते में पहनकर जाने वाली हूँ, ये कैमिसोल है और ये एक मेरी शर्ट है जो 3/4 स्लीव्स में ही है, इस तरीके की ये प्रिंटेड है, और इसके साथ जीन्स, तो मैं ये पहनकर जाने वाली हूँ रास्ते में। एंड साथ ही आप अपने कितने दिन आप रुकने वाले हो उसके हिसाब से आप अपने जो इनर वेयर है वो भी निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर दो दो सेट निकाल रखे अपने इनर वेयर, और एक कैमिसोल एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है कि मान लो अगर थोड़ा बहुत ठंड लगती है इन कपड़ों में तो अंदर थोड़ा आप एक कैमिसोल भी डाल लेते हो तो भी आपको ज्यादा ठंड नहीं लगती है। ये यूं ही मैंने रखा है, कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। वैसे तो हम जा रहे हैं तो हम लोग रुकने वाले हैं एक रिजॉर्ट या होटल में ही, वहां पर तो अवेलेबल रहती है, वहां पर टॉवल्स वगैरह मिल ही जाती है, बट एक सेफ साइड के लिए मैं अपने साथ इस तरीके की पतली वाली टॉवल भी रख रही हूँ,
कि अगर जरूरत पड़ती है काम आता है या रास्ते में भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये काम आए। बहुत बड़ी वाली मोटी वाली टॉवल आप मत रखिए, कभी भी रास्ते में आप कभी कहीं पर सफर पर जा रहे हो तो इस तरीके की हल्की वाली टॉवल जो अच्छे से आपको मतलब पानी सोखे भी और जो है ज्यादा आपकी जगह को भी ना घेरे। तो ये हो गया सारा जो आउटफिट्स है ये। अभी मैंने एक ऐसा बॉक्स और ले लिया है, इनके साथ तो मैंने मैचिंग ज्वेलरी कर ली है बट कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी भी मैं लेकर जा रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा इयररिंग्स हो गए, एक आध सेट एक्स्ट्रा हो गया, कुछ ये रिंग्स हो गई, इस टाइप से ये रिंग्स वगैरह मैं लेकर जा रही हूँ जो मैं वहां पर ही पहनूंगी, ये डेली पहनने वाली नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से झुमके वगैरह मैं इयररिंग्स रख रही हूँ, इसलिए कई बार होता है ना कि आपने कुछ जो है जो सेलेक्ट करी है ज्वेलरी वो पहनी और किसी वजह से उसका कड़ी टूट गई या फिर उसका जो है पेच निकल गया या फिर कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि इयररिंग के पीछे वाला डंडी टूट गई, तो फिर आप क्या करोगे, आप अगर एक ही पीस लेकर जा रहे हो तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी कि आप पहन नहीं पाओगे। इसलिए एक आध सेट एक्स्ट्रा सिर्फ इयररिंग ही चाहो तो आप रख लो, पूरा सेट नहीं भी रख लो तो इयररिंग ही रख लोगे तो ही काफी होगा। तो भी मैंने यहाँ पर दो सेट एक्स्ट्रा रखे हैं और दो तीन इयररिंग्स एक्स्ट्रा रखे हैं कुछ अपने दिन के आउटफिट्स के साथ पहनने के लिए, और एक आध एक्स्ट्रा जो अगर इसमें से कुछ खराब हो जाता है टूट जाता है तो एक्स्ट्रा मेरे पास रहे। अभी ये वाले सेट भी मैं इसी के साथ यहाँ पर रख ले रही हूँ। तो ये एक बॉक्स हो गया तरीके का जहां पर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी एक साथ रख ली है और ये मैंने चूड़ियां कुछ इसमें रख ली है और बाकी इस वाले जो है लहंगे के साथ की जो चूड़ियां हैं वो मेरी इसमें आ गई हैं। अभी इसको भी मैं बेल्ट को भी किसी जगह अरेंज करूंगी और एक अलग से इस तरीके का छोटा पतला पाउच ले लीजिए जिसमें आप अपनी बिंदी हो गई, इस तरह से मैंने कई सारी जो बिंदियां हैं वो एक साथ इस तरीके के एक ट्रांसपेरेंट जो है पैकेट में रख लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कई सारी और बिंदियां लेकर जाना चाहते हो तो अलग अलग पत्ते मत रखिए, जो बिंदियां हैं वो इन्हीं पत्तों में एक्स्ट्रा जो कलर्स आपको लग रहा है कि आपको जरूरत पड़ सकती है वो निकाल निकाल के आप इसी के अंदर लगा लीजिए। जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बिंदियां लगाकर रखी, जैसे ये वाली इसमें छोटी बिंदी भी है और इसमें मैंने थोड़ी बड़ी बिंदियां भी एक्स्ट्रा रख ली है अलग से पत्ते रखने की बजाय। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस वाले पाउच में मैं इसको रखूंगी एंड इसी पाउच में मैं अपने जो ये फेक आई लैशेज हैं एंड इसके साथ का ये जो ग्लू है ये भी इसी में रखूंगी एंड जो कंगन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं ये थोड़ा पर्ल वाले हैं एंड ये कुंदन वाले हैं, चार चार का सेट मैंने इसमें रखकर देख लिया ये आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं इस वाले पाउच में रखने वाली हूँ। अभी मेकअप का सामान आप देख रहे हो काफी ज्यादा यहाँ पर मैंने ले लिया है क्योंकि आई शेडोज वगैरह जो है जब आप लगाने बैठते हो तभी समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए पहले से, या तो आप फिक्स कर लो एक मेकअप करके देख लो कि मुझे यही मेकअप करना है, प्रैक्टिस आप कर लोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा सामान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं कौन सा मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आई शेडोज एंड लिपस्टिक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में रखी है, बाकी सब चीजें मैंने ज्यादा नहीं रखी है। जैसे कि एक ब्लश रख लिया मैंने, एक कॉम्पैक्ट रख लिया, ये आई शेडोज मैंने मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ कि उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी बट मैंने फिर भी सेफ साइड रख लिया है। एंड इस वाले बॉक्स में मैंने थोड़े रबर बैंड्स, थोड़ा जो डिजाइनर रबर बैंड्स होते हैं वो रख लिए हैं, कुछ क्लिप्स रख ली है, यूपिन्स रख ली है और सेफ्टी पिन रख ली है। सेफ्टी पिन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें टिक टैक क्लिप्स हैं, ये सारी मैंने इस तरीके के एक बॉक्स में रख ली है। इसके अंदर ही मैंने एक काजल का जो शार्पनर होता है वो भी इसी के अंदर रख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो वो शार्प हो जाएगा। कुछ यहाँ पर टिश्यूज हैं फेस के लिए और ये लिपस्टिक्स हो गई जो मुझे लग रहा है मैं यूज करूंगी, काजल हो गया, प्राइमर हो गया। यहाँ पर मैंने एक फिटमी का फाउंडेशन रखा है और एक ये ओलिविया की पैन स्टिक रखी है जो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फंक्शंस वगैरह का मेकअप करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, काफी अच्छा जो पार्लर जैसा लुक आता है इसे वो रख लिया है। एक मैंने यहाँ पर फेस क्रीम रख ली है जिसमें SPF 30 है, तो इसलिए मुझे अलग से सनस्क्रीन रखने की जरूरत नहीं है, इसमें SPF 30 है तो ये मुझे काम आ जाएगी। एंड इसके साथ ही मैंने एक सीरम रखा है, ये विटामिन सी सीरम है, ये भी मैंने रख लिया है। एक मैंने रखा है छोटा सा हाइलाइटर अलग से एंड मस्कारा रखा है मैंने, आईलाइनर रखा है और एक ये कंसीलर रखा है, ये हो गया। इसके अलावा मैंने वेट वाइप्स रखी है जो कि मेकअप रिमूवर वाइप्स रखी है कि आसानी से मेकअप रिमूव हो सके वहां पर हमारा, और सेटिंग स्प्रे रख लिया है। एंड एक मैंने रखा है जो इनसाइड का पूरा जो कलर करेक्टर पैलेट आता है वो मैंने रख लिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अचानक से आपके फेस पर कहीं पर दाने हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं या फिर रेडनेस है कुछ भी है तो उसको कट करने के लिए वो जरूरत होती है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने इस वाले पाउच में अपनी कुछ मेडिसिन वगैरह रख ली हैं जो मेरी डेली की मेडिसिन हैं। तो इस टाइप के जो बॉक्सेस आते हैं इस टाइप के आप बॉक्सेस रख सकते हो जिसमें कि आप अपनी डेली की मेडिसिन को एक साथ निकाल कर रख लो क्योंकि वहां पर आपको इतना टाइम नहीं रहता कि आप अलग अलग पत्तों में से निकाल निकाल कर और जो भर कर ले जाइए, वैसे भी वो ज्यादा मोटा सा हो जाता है जो पैकेट आप ले जाओगे। तो इस तरीके के बॉक्स में अगर आप निकाल लेते हो तो आपको भी आसानी से एक वाला इस तरीके से खोली निकाली और आपने खा ली। तो तीन दिनों के लिए मैं यहाँ पर सुबह शाम की टैबलेट्स निकालकर इसमें मैंने रख ली है। इसके अलावा यहाँ पर दांतों के दर्द की दवा है और एक सर्दी की दवा है, फीवर की दवा है,
बदन दर्द की सर दर्द की दवा है, और साथ ही मैंने यहाँ पर ओडोमॉस एंड जो एडेक्स भी रखा है। तो ओडोमॉस मच्छरों के लिए इस समय, चूंकि ये डेंगू का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, फैल रहा है, इसलिए मैंने ओडोमॉस रख लिया है। एंड आयोडेक्स इसलिए रख लिया, कई बार जो है आप हील्स पहनते हो या फिर कहीं सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हो तो कई बार पैर मुड़ जाने की वजह से मोच वगैरह आ जाती है, तो वो ऐसा नहीं हो, भगवान का ऐसा नहीं हो, बट उसके लिए भी सेफ साइड मैंने यहाँ पर आयोडेक्स का ये जेल रख लिया है। तो ये हो गई हमारी कुछ मेडिसिन। अभी यहाँ पर आप जो सामान देख रहे हो, इसमें ये वाला जो सामान है, ये जिसमें एक मेरे पास मूज फाउंडेशन है लैक्मे का, दो लिपस्टिक और एक काजल है, तो ये वाला जो आइटम है ये मैं रखूंगी अपने हैंड बैग में, जिससे कि मुझे अगर रास्ते में या फिर पहुंचने से पहले टचअप करना है या फिर अगर पूरा सामान खोलकर नहीं निकालना है इतना सारा सामान एक साथ, तो ये मेरे ऊपर हैंड बैग में रहेगा, जिससे कि मुझे जब भी हल्का फुल्का मेकअप करना हो मैं उसमें से सामान निकालकर कर सकती हूँ, तो ये हैंड बैग में चला जाएगा। एंड कुछ ये टिकटैक क्लिप्स वगैरह है, ये भी हैंड बैग में जाएगी। हैंड बैग में मेरे रहेगा ये सैनिटाइजर एंड ये जो बड़ी डिटॉल की जो है हैंड वॉश है, लिक्विड हैंड वॉश है, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बॉटल्स निकाली हुई हैं, उसमें मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। या तो इसके छोटे पाउचेस आते हैं वो ले लीजिए आप, बट मेरे पास ये इतना बड़ा मिल गया था तो मैं यहाँ पर इन बॉटल्स में ट्रांसफर कर लूंगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा जो है मास्क है, हेयर मास्क है, और टोनर की बॉटल है, ये शैम्पू है, एंड ये मेरा जो है क्रीम है, एक तरीके से बॉडी बटर है जो मैं विंटर्स में यूज करती हूँ। तो इनके सबके इतने बड़े बड़े जो टब्स हैं ये तो ले जाना बहुत ही गलत होगा और जरूरत भी नहीं है, पूरा जगह घेर लेंगे। तो इसी वजह से मेरे पास जो ये पुरानी जो है क्रीम्स के जो है खाली डब्बे थे, टब्स थे, इनको मैंने वॉश कर लिया, इसीलिए मैंने इनको फेंका नहीं था। इतने दिन से रखे थे, मुझे लग रहा था क्या करूंगी, बट आज ये मेरे काम आ रहा है। तो ये छोटे छोटे से टब्स हैं, इनमें मैं इनको जो है निकाल लूंगी, और उसके बाद से इसके ऊपर हम लगा देंगे एक टैग, छोटा सा आप कट कीजिए पीस, उसके ऊपर अपना जो मास्क है तो मास्क लिख लीजिए, हेयर मास्क, और यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से इसके ढक्कन पर आप पेस्ट कर सकते हो उसको। तो और यहाँ पर मेरे पास एक तरीके की स्प्रे बॉटल भी थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसकी स्मेल भी निकल गई सारी जो भी थी, तो इसके अंदर मैं अपना टोनर जो है डाल लूंगी, जिससे कि टोनर भी आराम से, इसमें स्प्रे वाला जो है सिस्टम है तो स्प्रे से आप आराम से टोनर को यूज कर सकते हो। तो ये जो बड़ी बड़ी बॉटल्स का सामान है ये इस छोटे जो है टब्स में कर लूंगी मैं, या बॉटल्स में कर लूंगी शैम्पू वगैरह, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्मूथनिंग कराई है तो मैं कुछ भी और शैम्पू या मास्क यूज नहीं कर सकती हूँ, कंडीशनर तो मुझे अपना ही चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें अपनी लेकर जा रही हूँ। वरना तो आप जो है अलग से पाउचेस वगैरह भी ले सकते हो, जो छोटे पाउचेस आते हैं, तो आप जब रास्ते में जा रहे हो तो वैसे तो होटल वगैरह में मिलता ही है, बट मुझे थोड़ा सा मन नहीं करता वहां का कि कौन सा ब्रांड है क्या है वो यूज करने का, तो मैं कोशिश करती हूँ स्मूथनिंग नहीं भी हुई है तो मैं अपना खुद का ही शैम्पू कंडीशनर वगैरह लेकर जाऊं। इसके अलावा शावर जेल वगैरह है वो आप देख सकते हो, अपने साथ रखना है नहीं रखना है, तो शावर जेल के लिए भी मैं एक छोटी सी बॉटल में उसको रख लूंगी। इसके अलावा यहाँ पर मेरे कुछ ब्रशेस हो गए जिसको मैंने वॉश करके रख लिया है, क्योंकि डेली हम इसको यूज करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा कलर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने वॉश कर लिया है, एंड कुछ ये जो ब्रेसलेट वगैरह है और हेयर एक्सेसरीज में मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह रख ली डिजाइनर, इसके अंदर भी मैंने जो स्टोन वाला अपना क्लचर होता है वो रखा है, एंड एक स्टोन वाली जो हेयर क्लिप है वो रखी है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ हेयर स्टाइल करने में। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे मैंने एक ये डोनट रखा है, एंड एक जो हेयर वाला एक्सटेंशन आता है वो भी ले लिया है कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं कुछ हेयर स्टाइल बनाऊंगी, वरना मैं बाल ओपन रख सकती हूँ और अपना हेयर एक्सटेंशन यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बाल काफी ज्यादा छोटे हो गए हैं। ये जो है रोजेज है, जो आर्टिफिशियल रोजेज होते हैं, इसको भी मैं लेकर जा रही हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका भी यूज कर सकती हूँ। एंड कुछ टिश्यूज हैं, ये एक्स्ट्रा टिश्यूज आपके जरूर काम आते हैं रास्ते में, कुछ आप जो है अपना डिनर वगैरह लंच वगैरह जो भी आपका टाइम है जाने का सफर का उसके टाइम में आपको टिश्यूज काफी ज्यादा काम आते हैं, या फिर मेकअप के टाइम में भी बहुत काम आते हैं, तो टिश्यूज का एक पैकेट जरूर रख लीजिए। अभी मुझे लग रहा मैंने सारा कुछ तो बता लिया, कुछ तो नहीं बचा, तो ये सारा हो गया। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जो होती हैं जो आपको तुरंत रखनी है, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो आप ब्रश करोगे तभी ब्रश रखोगे, तो एक पाउच जैसे आपने ये मेडिसिन वाला बना रखा है तो इसी के अंदर आप अपना टंग क्लीनर हो गया और आपका जो टॉयलेटरीज वाली कोई भी चीज है वो आप इसके अंदर साथ में रख सकते हो। बहुत अलग अलग पाउचेस मत रखिए वरना खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या सामान है। तो जिसमें मैंने मेडिसिन रखी इसमें भी बहुत जगह, इसके अंदर मैं अपने ब्रश, टंग क्लीनर, टूथपेस्ट ये इसमें रख लूंगी, कॉम वगैरह मैं इसी में चाहूंगी तो रख लूंगी, कॉम अपने जो है हैंड बैग में रख लीजिए वो ज्यादा बेटर है। इतना कुछ हो गया और बस आई थिंक काफी है। और अगर जो भी आपने स्लीपर्स वगैरह पहननी है वो आप एक जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह आते हैं उसके अंदर करके आप, अगर जिप लॉक वाला है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो है टेप वगैरह लगा सकते हो उसके ऊपर ताकि वो टाइट हो जाए और कोई भी गंदगी वगैरह उसमें से ना निकले, उसके बाद आप इसको अपने जो सूटकेस में रख सकते हो। तो बस अभी मैंने बहुत सारी बात कर ली, आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता भी होगा, बट कई बार होता है ना कि जो हम दिमाग में अपने कुछ सेट करके चल रहे होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही सामान हम रख लेते हैं जो कि कैरी करने में भी दिक्कत होती है, और जब हम कहीं जाते हैं तो वहां फंक्शन में भी हम वहां जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये सामान, ये वाला जो है आउटफिट पहने या फिर ये वाला आउटफिट पहने।
ये वाली ज्वेलरी पहने या फिर ये वाली ज्वेलरी पहने, तो ये कंफ्यूजन वहां जाकर आपके पास ना हो, इसलिए यहां पर आप डिसाइड करके सारा कुछ जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड जो भी पैकिंग करनी है वो सारा आप निकालिए कम से कम दो दिन पहले अपने सूटकेस में पैक करके रख लीजिए, जिससे कि आपको एंड टाइम पे टेंशन ना हो। और हाँ, एक चीज और, मैंने अपने फोन में टू डू लिस्ट एक बना रखी है जो मैंने जो है इस तरीके से मतलब ना, यहाँ पर आप डाल लो कुछ भी जो है टाइटल, और उसके बाद आप यहाँ पर सामान नोट करते हो, जो जो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है ना फैब्रिक आउटफिट्स का, आप अलग से जो है वो बना लीजिए सेक्शन, उसके अंदर आपने कौन कौन सा आउटफिट रखा है वो आप नोट कर लीजिए, कौन सी ज्वेलरी रखी है, कौन सा सामान रखा है, क्या क्या। ये मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आज के लिए कर रही हूँ, मुझे घर भी जाना होता तभी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इस तरीके से आप नोट कर लोगे तो जब आप लौट रहे होगे तो आप काउंट करके रख सकते हो, क्योंकि जब आप तैयार होने के लिए सामान निकालते हैं तो सामान सारा यहाँ फैल जाता है, तो जब आप वापस इसमें चेक करके अपना सामान वापस से पैक करोगे लौटने के लिए, तो फिर आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो वहां पर छूट जाएगी। अगर तो आप घर गए हो तो आपका सामान वापस मिल जाएगा, वापस घर जाओगे या वहां से कोई आएगा तो, लेकिन अगर आप रह रही होटल वगैरह में जाकर रुकने वाले हो तो फिर आपका सामान अगर गया तो फिर गया। तो इसलिए इस तरीके की लिस्ट जरूर बना लीजिए, जिससे कि आप जब सामान वापस पैक कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो और सारा सामान आप आराम से पैक कर लो। आई होप आप सबको आज का वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।